आज ही के दिन 1774 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाकर ऑक्सीजन की खोज की थी। इससे पहले पूरी दुनिया एक सवाल का जवाब पता करने में लगी हुई थी। यह सवाल था कि सारी चीजें जलती कैसे हैं? अलग अलग लोग हवा में अलग अलग पदार्थ जलाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हवा में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आग जलती है। 18वीं शताब्दी के आसपास इस सवाल का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों के प्रयास बढ़ने लगे थे। 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल विलहेम सील, उन्होंने मैगनीज ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रोजन और कई एलिमेंट को मिलाकर गर्म किया। इन्हें गर्म करने पर एक गैस निकली। सील ने देखा कि इस गैस में चीजें ज्यादा तेजी से जलती हैं। साथ ही जीव जंतु भी इस गैस में ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं। सील ने ऑक्सीजन की खोज कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसे फायर एयर नाम दिया। 2 साल बाद 1774 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। प्रिस्ले का मानना था कि पूरी हवा आग जलाने में सहायक नहीं होती, केवल हवा का कुछ ही हिस्सा आग जलाने में मदद करता है। अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए प्रिस्ले ने 1 अगस्त 1774 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंद बर्तन में रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया। गर्म करने के बाद जो हवा निकली उसे एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर दिया। उन्होंने इस हवा में जब एक जलती हुई चीज रखी तो वह हवा तेजी से जलने लगी। इस हवा में चूहे भी साधारण हवा के मुकाबले ज्यादा देर तक जिंदा रहे। इसी तरह आज ही के दिन 1774 में प्राणवायु गैस ऑक्सीजन की खोज हुई थी। अभी तक ऑक्सीजन को नाम नहीं मिला था। 1777 में एक और वैज्ञानिक एंटोइन लेवाइजर ने भी ऑक्सीजन पर स्टडी की। उन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया और पहली बार बताया कि ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है। साथ ही चीजों के जलने में ऑक्सीजन की भूमिका को डिटेल में दुनिया के सामने रखा। अब सवाल उठता है कि फिर आखिरकार ऑक्सीजन की खोज किसने की? 1772 में सील ने ऑक्सीजन की खोज तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी को कहीं पब्लिक नहीं किया था। इसके उलट 1774 में प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज भी कर ली थी और अपनी स्टडी को पब्लिश भी कर लिया था। इसी वजह से प्रिस्ले को ही ऑक्सीजन का असली खोजकर्ता माना जाता है।